नमस्कार दोस्तों, मैं विलास तुलकोड़े और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। खबर मध्य प्रदेश के खैरलांजी से। विधायक एवं अध्यक्ष राज्य खनिज विकास निगम जायसवाल ने एम्बुलेंस किया अस्पताल को समर्पित। कोरोना की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए क्षेत्र की जनता को किसी तरह की दिक्कतें ना हो, जैसे कि दूसरी लहर के वक्त जनता को हुई थी, इसको ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय विधायक व अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम प्रदीप जायसवाल अस्पताल की व्यवस्थाओं को जितना संभव हो सके दुरुस्त करने का कार्य कर रहे हैं। पूर्व में जहां क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों को ऑक्सीजन उपकरण, अस्पताल को एयर कंडीशनर, वाटर कूलर और अन्य आवश्यक संसाधन मुहैया करवाए गए थे, इसी कड़ी में रविवार 1 अगस्त को खैरलांजी अस्पताल को विधायक निधि से एम्बुलेंस भेंटकर जनता की सेवा में समर्पित की गई, जिससे कि मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाने में किसी तरह की दिक्कतें ना हो। इस अवसर पर विधायक प्रदीप जायसवाल द्वारा सभी एम्बुलेंस चालक और सहायक स्टाफ का कोरोना योद्धाओं के रूप में पुष्पगुच्छ और माला पहनाकर स्वागत किया गया। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए खैरलांजी से योगेश कावड़े की रिपोर्ट। ठेला किराना दुकान या हमारे कपड़े की दुकान से हमारे व्यापारी साथी मेरी आवाज सुन रहे हो, जिन्होंने अपनों को खोया, कई लोगों की तो जानकारी भी अभी हमारे प्रशासन के पास या हमारे लोगों के पास नहीं है, जिन्होंने जिनकी जान कोविड संक्रमण में गई है। पूरे प्रदेश में वाराणसी खैरलांजी क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का काम प्रदीप जायसवाल जी ने किया है, सच्चे कोरोना फाइटर के रूप।